ऐसा बैटिंग ऑलराउंडर मानता हूं, क्योंकि ये बहुत अच्छे ये टीम के ऑलराउंडर भी है शैलेंद्र यादव सल्लू, और स्ट्राइकर देखे जा रहे मंटू नॉन स्ट्राइकर साजिद, स्ट्राइकर है मंटू नॉन स्ट्राइकर साजिद, और कोटे का पहला ओवर टीम का कोटा कोटे का पहला ओवर लेकर तैयार शैलेंद्र यादव सल्लू, लेफ्ट आर्म पे सर के पास उनके सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बल्लेबाजी करता नजर आएगा राहुल कुमार को देखा जा रहा है विकेट कीपर के रूप में, और उनके साथ बता दो एक खिलाड़ी को लगा रखा है पॉइंट की दिशा में, एक खिलाड़ी को बिल्कुल थर्डमैन पर देखा जा रहा है सनी यादव मास्टर को, और एक खिलाड़ी मिड विकेट अखिलेश कुमार, एक खिलाड़ी को लगा रखा है मिड विकेट, एक खिलाड़ी को लगा रखा है लवान, और लवान तो दिखाई दे रहे विजय गेल विजय तूफान, और उनके साथ एक खिलाड़ी को लगा रखा है बिल्कुल एक साथ कवर की जाने, और एक खिलाड़ी को लगा रखा है कवर पर, तो इस तरीके से फील्ड पोजिशन है टीम की बात की जाए जो टीम देखी जा रही है एयर इंडिया में, तो चलिए पहले ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार अच्छी गेंद अच्छी डिलीवरी और मात्र एक रन से संतुष्ट होंगे दोनों बल्लेबाज, स्कोर में इजाफा खाता खुल चुका है, दूसरे पर अच्छे ओवर का मुकाबला अभी साइड के सामने राइट हैंड बल्लेबाज, ये गेंद अच्छी गेंद और काली के सहारे के लिए की कोशिश की थी साजिद ने, लेकिन व्हाइट बॉल का इशारा आ चुका है अंपायर का, दोनों अंपायरों की जितनी तारीफ की जाए कम, इस चिलचिलाती धूप में इस कड़ाकड़ाती धूप में लगभग 44 का टेम्परेचर, लेकिन क्या कसम का टेम्परामेंट दिखाया दोनों अंपायरों ने, मैं इनकी भी तारीफ करूंगा, और साथ में पूर्व विधायक आदरणीय श्री मोहतरमुल मकान काबिल कदर शख्सियत आली जनाब विजय कुमार राजभर जी, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो आपने 44 के टेम्परेचर में लगभग 3 दिन के करीब मुद्दत में आपने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने का एक बहुत बड़ा कदम उठाया, और जो युवा जो टैलेंट अभी निखर के सामने आ रहे हैं उन युवाओं का निखारने का जो आपने काम किया है मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अब चला जाए अगर फील्ड पोजिशन की जाने तो सालों देखा जा रहा है साथ ही साइड के ऊपर फिर से शैलेंद्र यादव सल्लू अपने कोटे का पहला ओवर इस मतवाद हवा में लेकर काफी लहराती नजर आ रही थी, आउट का इशारा आएगा साजिद को जाना पड़ेगा तक आउट के अंदर, तो टीम आजमगढ़ को लगने वाला ये पहला झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, और अगर स्कोर जरूर देखा जाए तो स्कोर है मात्र 2 रन, 2 के बीजी स्कोर पर पहला ये विकेट, और क्या कसम की गेंद थी, गेंद बनने के बाद बल खाती लहराती हवा में सुम होती नजर आई, और साजिद के बल्ले ने अंतरों में किनारा लिया, और विकेट कीपर राहुल कोबरा ने अपने काम को आसानी के साथ अंजाम दिया है, तो क्या अब सातम यादव आ रहे बल्लेबाजी करने के लिए, सातम यादव का आगमन हो रहा है, एक और बड़ा बेहतरीन खिलाड़ी आजमगढ़ टीम का हिस्सा है, पहला विकेट गिरा साजिद के रूप में, अब सातम यादव आ रहे हैं, और सातम और मंटू की जोड़ी मैदान में देखी जा रही है, 6 पर 6 ओवर का ये मुकाबला है, एयर इंडिया ये पहले फील्डिंग करती नजर आ रही है, 6 पर 6 ओवर के मुकाबले में पहले ओवर की गेंदबाजी लेकर शैलेंद्र यादव सल्लू तैयार है, मात्र 3 से 4 गेंद हुई है, और अगर देखा जाए सातम यादव चलिए फिर से शैलेंद्र तैयार, और क्या गजब की गेंदबाजी तैयार, फिर से एक मरतबा बॉलिंग बार पर इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया, ये गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के तरफ से क्रॉस कर जाएगी 6 रन के लिए, तो चलिए इनिंग का ये पहला छक्का आ चुका है, इनिंग का आगाज हो चुका, स्कोर है 8 रन, पहला ओवर की प्रगति पर 6 पर 6 ओवर का ये मुकाबला, क्या गजब का निशान लगाया, पहली गेंद मिडिल ऑफ द बैट जाकर टकराई और सीधे बल्ले से खेल दिया लगान के ऊपर से, दूसरे मरतबा तैयार इस बार रिवर्स शेप निकाल दिया था हालांकि बल्ले से, और कैसे कोई कश्मकश नहीं, विकेट कीपर ने बड़े आसानी के साथ अपने काम को अंजाम दिया है, स्कोर मात्र 8 रन, शैलेंद्र यादव सल्लू 23 क्रिकेट में एक ऐसा गेंदबाज जिसने एक ओवर में 6 रन बचाए, जिसने एक ओवर में 8 रन जरूर बचाए, जिसने एक ओवर में 4 रन बचाए, ऐसा ये गेंदबाज लेफ्ट आर्म पेसर, और पिछला सीजन का बहुत अच्छा गया था, ये सीजन भी 23 क्रिकेट का अच्छा जा रहा है, लेकिन आज आपकी अगली परीक्षा है शैलेंद्र यादव, इस बार के धने में उसके नीचे क्या खिलाड़ी आएंगे, 2 खिलाड़ी उसके नीचे, लेकिन लो बैस लेन में एक जाके गिरी है, कैच आउट, कैच आउट, तो आज के निजी स्कोर पर ये दूसरा विकेट गिरा है,
शैलेंद्र यादव सल्लू ने अपने पहले ओवर में दो बड़े बड़े विकेट गिरा लिए। पहला विकेट साजिद का, दूसरा विकेट गिरा है सात रन यादव का। तो पहले ओवर में दो बड़े विकेट और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ग्राम सभा प्यारेपुर सलाउद्दीनपुर के जो हमारे ग्राम प्रधान है, मेरे इलाके के प्रधान बड़े भाई सुरेश कुमार राजभर जी, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने अपना बेशकीमती वक्त इस एयर इंडिया गोल्ड कप मऊ 2023 के लिए जो आपने दिया है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तो एक बार इसकी समाप्ति के बाद स्कोर है 8 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर और एक बार समाप्त हो चुका है। उधर भी मार दिया करिए, अरे बिधायक उधर गया सब, उधर भी सब जूम कर दिया उधर, हाँ थोड़ा कहाँ कर अगले बल्लेबाज पंकज चौहान। प्रधान और चौहान में क्या अंतर है? चौहान भी तो प्रधान हो सकता है। चलिए विशाल सिंह अपने कोटे का पहला ओवर, टीम के कोटे का ये दूसरा ओवर लेकर तैयार। मंटो है स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइक पर है पंकज प्रधान। विशाल सिंह एक रफ्तार का सौदागर जिसे पूर्वांचल स्पीड के नाम से ज्यादा पहचाना जाता है। आज ये अपने कोटे का पहला ओवर और टीम के कोटे का दूसरा ओवर लेकर तैयार है। 6/6 ओवर का ये मुकाबला है, मात्र 8 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। मंटो अभी भी जद्दोजहद संघर्ष कर रहे अपनी टीम के लिए। चलिए तैयार अंपायर क्रॉस किया, इस वक्त आइए थोड़ी सी शादी के की मंटो के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा चौका ये निकला। सयाज भाई मैं आपको बता दूं कि ये मंटू जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है ये अभी जल्दी ही सूरत से खेल के आया है, तो इनका मनोबल बहुत हाई लेवल पे है। तो अच्छी बल्लेबाजी है मंटू। बिल्कुल मंजीत भाई मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ, मंटू एक अच्छी बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडर ये बल्लेबाज है और कलाइयों का बड़ा बेहतरीन प्रयोग करते हैं। चलिए तैयार फिर से एक मरतबा बॉलिंग लाइन पर विशाल सिंह। सामने के मंटू एक सिक्स लगा दिया इस ओवर के अंदर, इस बार ये थोड़ी सी ओवर की गेंद उसके नीचे भी जाएगी और उनके लंबाई से ज्यादा ये कर गए, यानी 4 रन और मिल जाएगा मनजीत सिंह विकेट के लिए, लेकिन जो रनों की संख्या में लगातार बढ़ती जा रही है। स्कोर है 18 रन, दूसरा ओवर की प्रगति पर एक ओवर में मात्र 8 रन को तो सफलता दिलाई है शैलेंद्र यादव सल्लू ने, और इस ओवर में अब तक लगभग मुझे लगता है कि आगे 12 रन, सॉरी 10 रन, इस ओवर में 10 रन आ चुके हैं। इस बार ये मंटो का बल्ला माशाल्लाह, एक और बेहतरीन शॉट और विकेट कहां तक पहुंचे, क्या चाहिए आखिर में। वीरेंद्र कप्तान एक बार पुनः अपनी रणनीति और गेंदबाज के कौशल पे मंथन करते हुए, विशाल है लग रहा है, से बिलोंग करते हैं, लग रहा है विशाल गेंदबाज है तो उनका दिल भी बहुत विशाल है। विशाल बलिया से बिलोंग करते हैं, बागी बलिया से, और एयर इंडिया को अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन मंटू मऊ से बिलोंग करते हैं जो नदवा सराय है, चमरे इनका गांव है, मंजूर भाई चमरे के उनका ताल्लुक है, नदवा सराय की बिल्कुल बाजू वाला गांव है। चले तो या फिर से विशाल सिंह तू मंटू और इस पर तबा थोड़ा सा ये ऊपर गेंद की वाइड बॉल का इशारा आएगा, एक रन हो जाएगा स्कोर बोर्ड के ऊपर। भाई पंकज चौहान जी इशारा अंपायर देंगे, आप खेलने पे ध्यान दीजिए, अगर वाइड रहेगा तो आवश्यकता है अंपायर लगाया गया है वाइड दिया जाएगा। 25 रन है मंजीत सिंह, 25 रन। नहीं है भैया, नहीं है रिंकू बिंदा भाई, नहीं है उनकी प्लेयर खेलना है वो नहीं है। वाह भाई वाह, सबसे एक मिसाल है, लेकिन मंटू ने उसमें बहुत ही नुकसान कर दिया इस मिसाल के हृदय को, लंबे छक्के लगा रहे हैं, बिल्कुल बंगा पहुंचा है 31 दो विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति है एयर इंडिया की तरफ से विशाल सिंह के द्वारा,
बिल्कुल मंजीत भाई, मंटू ने इस शिविर में जमकर खबर ली वसुंधरा के लिए, मंटू के लिए कि सारे जनता के मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, तेरी तस्वीर बनाते ही कलम तोड़ दिया। गजब की यहाँ पर बल्लेबाजी हो। स्टार फिसे शार्ट ऑफ लेंथ गेंद की थोड़ा सा ऑफिशियल से बाहर, ओवर की समाप्ति का ऐलान। मंजीत भाई दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 31 रन। तो कहां का टारगेट ये टीम देख रही है मंजीत भाई? आजमगढ़ कौन सा टारगेट देख रही है? ये तो मैं आजमगढ़ के वरिष्ठ खिलाड़ी संजय सिंह से पूछ ले रहा हूँ कि आपकी टीम कितना स्कोर चाहती है 6 ओवर में? जैसा ये ग्राउंड है, जैसे गेंद भाग रही है, मुझको लग रहा है 100 के आसपास बनाना चाहिए, क्योंकि इस टीम में एक से बढ़कर एक लगभग 3-4 जिलों के अगर टॉप क्रिकेटर को देख सकते हैं, विजय गिल, साहनी, बीरेंदर, सनी मास्टर, शैलेंद्र, राजकुमार यादव, राहुल, ये तमाम बड़े बड़े क्रिकेटर है, तो उनके सामने अगर मेरी टीम नियर अबाउट 90-100 के आसपास जाती है और कहीं कहीं सुनील यादव 2 ओवर अच्छा कर जाएंगे तो मुकाबला बहुत मजेदार होगा। तक किसी टीम ने 100 बनाया नहीं है, हो सकता है वो कारनामा आपकी टीम करके दिखाए। बेस्ट ऑफ लक, चलिए देखते हैं कहां तक पहुंचती है आपकी टीम। अगले गेंदबाज सल्लू पांड्या फिर से अपनी सेवा देने के लिए एयर इंडिया की तरफ से। चलिए तैयार शैलेंद्र, इस बार अच्छी है गेंद की गति के साथ भी कर दिया, और आपके पास अगर गति के साथ वेरिएशन है टेनिस क्रिकेट में, आप ब्रेक लेग ब्रेक के आप बल्ले का अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मंजीत ने मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वीरेंद्र भारद्वाज के सिनेरियो का सामना कर रहे हैं। विशाल का वो बहुत दूर चला गया, बहुत बड़ा वो ओवर चला गया, एक ओवर में मात्र 8 रन दिए थे शैलेंद्र यादव ने और 2 सफलताएं हासिल की थी। इस बार 4 फील्डिंग है राहुल कोबरा की, कमाल का टिप्पणा मिलने देखा गया मंजीत सिंह राहुल कोबरा की जानिब से। नाम जिसका राहुल कोबरा हो, काम तो कुछ अनहोनी या कुछ नया काम करते ही हैं। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, राहुल यादव कोबरा लेग बाई के रूप में ये रन। अब सामना करेंगे मंटू सालेंद्र की गेंदोगा। स्कोर मंजीत सिंह 32 रन है और तीसरा ओवर ये पर गति पर है शैलेंद्र का, ये कोटे का 2 ओवर। इस बार ये गेंद और चली जाए जमीन में, गेंद से बढ़ गई। आजमगढ़ का यही एक बल्लेबाज है मंटू जो एयर इंडिया की आंखों में धस रहा है, लगातार वार पे वार किए जा रहा है एयर इंडिया के गेंद पे। स्कोर 38, तो ये दुनिया गोल है, घूम के सबको फिर कहीं ना कहीं मिलना ही है। तो सल्लू पांड्या की खबर लेते हुए मंटू, स्कोर है मंजीत 38 रन, तीसरा ओवर ये प्रगति पर। इस बार भी सीधे बल्ले से खेल दिया विजय गेंद उसके नीचे, हालांकि प्रयास के 16 ओवर में स्कोर 44। क्या कमाल की बल्लेबाजी में फंसती नजर आ रही है एयर इंडिया को, कहीं 100 रन बना लिया आजमगढ़ ने तो पीछे से खेल जो दबाव है वो भारी पड़ सकता है एयर इंडिया पे। देखिए आजमगढ़ बनाए या बहु बनाए, आजमगढ़ भी हमारा ही जनपद है, हम लोग अलग होके आए हैं और जो खिलाड़ी खेल रहा है अभी पिच पे, मैं सौभाग्यशाली हूं जो हमारी विधानसभा घोसे का निवासी है। क्या बात, इसके लिए भी मैं इसीलिए इतनी ताकत लगा रहा है कि विजय राजभर जो लड़ाकू विमान की तरह अपनी जनता के लिए लड़ते हैं, उसी तरह मंटू अपनी टीम के लिए लड़ाकू विमान बनकर तैयार हो गए हैं एयर इंडिया मऊ के सामने। लेट रिएक्ट है। चलिए 2 रन यहाँ पे आसानी के साथ हो जाएगा, और जैसा कि एक ही रन है ये, चलिए एक बाल अभी भी शेष है इस ओवर में। स्कोर अभी तक 45, जो भी बल्लेबाजी किया है बहुत ही साफ सुथरे हिट और अभी कवर के क्षेत्र में खेला, टोटल जितने भी शॉट हैं के सब क्रिकेटिंग शॉट थे, जो एक अच्छा बल्लेबाज खेलता है उसी तरह की बल्लेबाजी इन्होंने किया है, बड़ा प्रभावित। देखिए प्रकृति भी, ईश्वर भी आपके मैदान में उतरा हुआ है, ईश्वर साक्षात आपके मैदान में है, आपके साथ है कदम से कदम मिला के, और खिलाड़ी का कोई जनपद नहीं होता, खिलाड़ी का कोई गांव नहीं होता, खिलाड़ी पूरे विश्व का होता है, पूरे देश का होता है, जहां तक उसकी सारो सौगत जाती है उसका खेल जाता है, वो तो पूरे संसार का होता है खिलाड़ी, जहां तक वो फैल सके। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका।
हो सकता है कि ये हमारे देश के भविष्य हो, जो आने वाले समय में हो सकता है हमें इसी में से कोई प्लेयर आईपीएल खेलना नजर आए। बिल्कुल मंजीत जी, जैसा हम सभी चर्चा करते हैं सुबह ग्राउंड में कि आने वाले समय में इन्हीं सारे होनहारों में से, चाहे वो आजमगढ़ हो, मऊ हो, बलिया हो या हमारी घोसी हो, किसी भी गांव का एक लड़का आने वाले दो वर्षों में, हमारा प्रयत्न होगा कि उसको हम सभी निखार के आईपीएल और इंटरनेशनल इंडिया टीम में उसको भेजने का हम सब प्रयत्न करेंगे। अभी जो हमारे जो वॉलंटियर्स है जिनके जिनमें पानी छिड़कने का काम है, मेरा निवेदन है कि एक तरफ से पानी छिड़काव का काम आप सभी शुरू करिए। ये जो धूल है, धूल उड़ रही है, खिलाड़ियों को दिक्कत हो रही है और हमारे जितने भी खिलाड़ियों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मंजीत जी इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब से कहिए थोड़ा पानी का छिड़काव हो जाए, उधर जो हमारे वॉलंटियर लगे उनको लगवा के पानी छिड़काव करा दीजिए। अभी एंजला पढ़ाई हमारे बीच में आए हैं, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आइए बजेंगी। अगले गेंदबाज है अखिलेश कोलाड, अंजला प्लाई का एयर इंडिया क्रिकेट क्लब की तरफ से स्वागत किया है पंकज प्रधान ने उनका। अखिलेश कोलाड जो अपना सिपाही से बिलोंग करते हैं, इसके लिए हम लोग आपके आभारी हैं। इसी के साथ मुझे लग रहा है कि 51 रन, 52 रन हो चुके हैं आजमगढ़ के। ओवर भी बताते रहिए, गेंद कितने रन कितना दोनों बताते रहिए। ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 52, दो विकेट के नुकसान थे। जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है भाई, मऊ की टीम लग रहा है जैसे पहली बार दबाव में महसूस कर रही है। ऐसा कोई दबाव नहीं है, अभी हमारी मऊ की टीम का प्रदर्शन नहीं हुआ है, ऐसा आप लोग बोल के कोई मोड़ की टीम पे दबाव न बनाइए। बार बार बल्लेबाज के द्वारा व्हाइट मांगा जाना फेयर प्ले के निशान है। मुझे लगता है विजय भैया कि ये दबाव जो है मऊ की टीम पे दोहरा दबाव है, एक तो घरेलू दबाव, होम ग्राउंड का दबाव, ऊपर से दर्शकों का दबाव, तो दबाव में कितना निखरते हैं मऊ एयर इंडिया की टीम आने वाले समय में पता चलेगा। एम्पायर का अच्छा निर्णय, बहुत ही लंबे समय से सुबह से लगातार दोनों हमारे युवा साथी जो लगातार निष्पक्ष और निर्विवाद एम्पायरिंग कर रहे हैं, मैं आप सभी का सभी की तरफ से इन दोनों लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहे, भविष्य में आप सभी बहुत बड़े एम्पायर बने। एक तरफ के जो लेग अंपायर हैं वो सब बहुत ताना है कि अगर हाथ उठा लें। देखिए ये साथी हम लोगों के साथ शाम को वॉलीबॉल भी खेलता है। तो राजू यादव अपनी बीवी के पति हैं, भविष्य में मैं कामना करता हूं कि पत्रकार बने। बहुत बहुत धन्यवाद। स्कोर इसी बीच 53, दो विकेट के नुकसान पे। ये क्या शॉट है, थप्पड़ सा जड़ दिया बल्लेबाज पंकज ने, तो स्कोर 59, चौथा ओवर प्रगति पे है। तो लग रहा है जैसे आजमगढ़ की टीम छक्कों की बरसात कर रही है, चौका कम मार रही है और छक्का ज्यादा मार रही है। ये बड़े और छोटे भाई की लड़ाई है, आजमगढ़ भी हमारा ही जनपद होता था और मऊ जनपद जो अभी इनसे करके अलग बना है, तो बड़े और छोटे भाई की लड़ाई, छोटे भाइयों का प्रदर्शन बाकी है, तो आप सभी को परेशान और चिंतित होने की जरूरत नहीं है। चलिए ओवर की समाप्ति का ऐलान। कैच आउट हो गया है बल्लेबाज, 4 ओवर 3 विकेट और स्कोर अगर बता दें सौरभ कितना है, 59 रन, 4 ओवर 59 रन और 3 बड़े विकेट हासिल किए। अगर 12 गेंदों पर 40 रन बना लेती है आजमगढ़ तो मुश्किलों में फंस सकती है एयर इंडिया। तो देखिए कितना वापसी कर पाएगी एयर इंडिया। अगले गेंदबाज मुझे लगता है अरशद होंगे, अरशद मऊ के लाल चौक से बिलोंग करते हैं। देखिए कितना बचपन से क्रिकेट खेला है इस ग्राउंड पे, आज देखते हैं उनका प्रदर्शन कहां तक, किस हद तक एयर इंडिया के पक्ष में जाता है। मंटू जो कि शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, म
मऊ के शानदार दर्शकों की एक खासियत रही है कि क्रिकेट को काफी तल्लीनता के साथ देखते हैं। अजीत है हाँ, और शानदार स्वागत मंटू ने इनका किया, स्वागत किया है आजमगढ़ मोड़ पे इनका मंटू ने, गेट को सीधे रेलवे कॉलोनी की तरफ भेज दिया। हमारे पूर्व एनडीटीए के अध्यक्ष अरुण सिंह जी सर पे हाथ रखे हुए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी आपके मन में क्या ऐसी प्रतिक्रिया चल रही है, आप इस पर क्या अपना माइक दीजिए जरा, क्या अपना आप बोलना चाहेंगे हमारे पूर्व कप्तान हैं इंडिया के। मैच अभी तक दोनों टीमों का बराबर ही है, अभी किसी भी टीम को बड़ा और छोटा कहना, अभी मैच अभी आधा भी नहीं खत्म हुआ है और मैच चल रहा है, दोनों टीमें अपने आप में माहिर है और जहां तक पिछले बोले ओम प्रकाश जी की दबाव महसूस हो रहा है, ऐसा नहीं है, जब जब दबाव रहता है जो अच्छे खिलाड़ी रहते हैं वो उभर करके निकलते हैं, दबाव में अच्छा खेलते हैं। हाँ, 15 का एवरेज है तो 17 के एवरेज पे खेलेंगे, हमको एक बॉल पे 2 रन बनाना है 3 रन बनाना, उनको पता रहेगा जो बैटिंग करेगा, तो मैच काटे का है, मैच का मजा लीजिए, हार जीत अपनी जगह है। बहुत धन्यवाद। पांचवें ओवर की गेंदबाजी चल रही है, स्कोर 69, लॉस ऑफ 3 विकेट। अभिषेक जी क्या मंटू यादव अगर 50 रन मारते हैं तो श्यामा यादव की तरफ से ₹500 का अपना पुरस्कार है, कमेंटेटर महोदय उसको नोट करिएगा। मंटू यादव आती है जी, मंटू यादव का कृपया स्कोर बता दें इंडिविजुअल स्कोर, मंटू यादव का व्यक्तिगत स्कोर थोड़ा सा बता, 37 ही बल्लेबाजी कर रहे मंटू, ये अपने ₹500 से 13 रन दूर है। अभी एक साथी ने कहा कि रहेगा तो मार देगा, यही कहीं श्यामा यादव की कोई साजिश तो नहीं है, ऐसा हमें लगता है कि खिलाड़ी का मन इधर उधर करने के चक्कर में, लेकिन मंटू यादव घोसी विधानसभा से बिलोंग करते हैं, जो श्यामा यादव भटकाने का मुश्किल चेहरा कोई भी साजिश रच सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अभिषेक यादव, अभिषेक सिंह जी जो है वो परम मित्र हैं तो साजिशों के गुरु हैं वो। अरे भाई अभिषेक को ऐसा ना कहें, ये बेचारा दिन रात हम लोगों के साथ बिना खाए पिए बिना पानी पिए एकदम लगातार, मुझे यही अनुमान हो रहा है भैया कि आपकी छत्रछाया में साजिश बड़ी आगे जा रही है, सारे लड़कों ने बड़ी मेहनत की है भाई। अब मऊ के दर्शकों के बारे में भी दो शब्द बोलिए, बेचारे एकदम धैर्य के साथ 44 डिग्री टेम्परेचर में इस क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। चलिए उसे एक रन के चलते स्कोर कितना होगा, इसको 71 रन, 71 बन चुका है आने वाली 5 गेंदों शेष है और इन 5 गेंदों पे टीम आजमगढ़ चाहेगी कि लगभग 80-85 का टारगेट दिया जाए, मंटू को 13 रन चाहिए ₹500 प्राप्त करने के लिए, अब सारे रोचक का उस ₹500 के लिए हो चलिए। हाँ, हमारी बाल एक रन आउट जुड़ेगा, अब आने वाली 5 गेंदों शेष है, मात्र 13 रन दूर अपने 50 से मंटू, भला है किसी ने 2000 का नोट में नहीं दिया तो, नहीं तो खिलाड़ी बड़ा असमंजस में होता कि भजाऊं कहां। चलो हवा में है तो छाप दिया है, एक रन आसानी के साथ दूसरा भी पूरा हो जाएगा, ये डायरेक्ट हिट में 99.9% आदमी रन आउट होता है। ये हमारे जितने पवेलियन में बैठे हमारे जो दर्शक हैं,
मैं इनका हृदय की गहराइयों से अपने इंडिया टीम की तरफ से, अपने कमेटी की तरफ से और यहाँ बैठे हमारे समस्त लोगों की तरफ से आपका मैं बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस चिलचिलाती धूप में जो अपने घर से बाहर किसी काम में नहीं निकलता है और आप हमारे जनपद या पूर्वांचल से आए हुए प्रत्येक खिलाड़ियों का हौसला आप बढ़ाने के लिए और हम सभी का हौसला बढ़ाने के लिए आपने जो अपना समय दिया है, अपना योगदान दिया, इसके लिए मैं आप हृदय से आपका आभारी हूँ। और मेरी आवाज जहां तक अगर दर्शक सामने जाती हो, जरा एक बार हमारे दर्शक हाथ उठा करके अभिवादन कर देंगे, हाथ उठा करके ऐसे हिला देंगे तो हम सभी जानेंगे कि आप सभी मैच का आनंद उठा रहे हैं। सभी दर्शक बहुत ही काबिल है मऊ के जानकार और जागरूक दर्शक। फिर से वाइट बहुत शांति के साथ, धैर्य के साथ, धूप को नजरअंदाज करके संजीव ना इस चिलचिलाती धूप में क्रिकेट मेले का आनंद लेते हुए चले सी बीच अगली गेंद मंटू तो अखिलेश सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास और पीछे गेंद थी, हालांकि बिल्कुल लांगौर और लांगौर के बीच से खेलने का प्रयास किया था मंटू ने, लेकिन अभी भी मात्र 13 रन दौरे। अगर मंटू की बात करें अपनी फुफ्टी से, लगता है कि थोड़ा सा 500 रुपया मंटू के ऊपर भारी पड़ रहा है। अगर सब हो तो 500 रुपये का दबाव नहीं होता तो अब तक एक आध छक्के लग गए होते। ये 500 श्यामा यादव जी आपकी साजिश हमें लगता है कि ये सफल हो गए। स्कोर है 74 रन और लास्ट ओवर ये चल रहा है। 6 बल्ले 6 ओवर के मुकाबले में 74 और पिछले 2 ओवर में लगता है कि टीम मऊ एयर इंडिया ने थोड़ा सा दबाव महसूस कराया है सामने वाली टीम आसे मोड़ को। इस बार प्रयास किया सैलेंडर, उसके नीचे सैलेंडर कर ड्रॉप नहीं करते, ये बहुत अच्छे खिलाड़ी है। अभी हमारे कमेंटेटर महोदय, हमारे अभी दर्शकों के बीच में से एक बात आई है कि लोहे ने लोहे को काट दिया, हम तो मतलब समझे नहीं पाए। अगर आपके समझ में आए तो कृपया उसका उदाहरण देकर बताने का कष्ट करें, लोहे ने लोहे को काटा। जी बिल्कुल सही आपने कहा विधायक जी, और आपने कहा कि आजमगढ़ जो जिला है हमारे जिले से बिल्कुल लगा हुआ जिला है और आजमगढ़ से कट कई मऊ जिला बना है, तो मैं इसके लिए कह दूं अगर कि पहले मक्का बना, मदीना बना, फिर बना लखनऊ और आजमगढ़ जिले से कटा है तब जाके बना है मऊ, तो ये बहुत अच्छा आपने बात कही है कि आजमगढ़ जिला हमारे जिले से ही बना हुआ है। इसी बीच पूर्वांचल एक्सप्रेस पे इसे चढ़ी और पहुंच जाएंगे लखनऊ। आखिरी गेंद और ये छक्का, टोटल स्कोर बता दें एक बार, 80 और 81 का टारगेट है। छोटू चौहान ने पहली गेंद खेली और पहली गेंद को मिडाउन मिडिफ की ऊपर से छक्का पे तोड़ लिया, तो मंजिल पर अब जो सम्मानजनक स्कोर चाहिए था टीम आजमगढ़ को वो लगभग 80 रन बन चुके, 81 का टारगेट है। और मैं बता दूं कि ओमान से क्रिकेट खेल के आए पूर्वांचल एक्सप्रेस सुनील यादव, वो भी इस टीम का हिस्सा है। जो ओमान में क्रिकेट खेल रहे थे लेकिन आज अपनी टीम का हिस्सा है आजमगढ़ क्रिकेट टीम का। हमारे बीच हमारे बड़े भाई भोलू सिंह जी मौजूद हैं जो घोसी पकड़ी के निवासी हैं और बहुत ही शानदार टूर्नामेंट का आयोजन कराते हैं घोसी पकड़ी में। इन्होंने 1100 रुपए का योगदान दिया है इस टूर्नामेंट में, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो स्कोर 80, 6 ओवरों की समाप्ति पर 80 रन बनाया है चलाते रहिएगा आजमगढ़ में एयर इंडिया मऊ को जीतने के लिए 81 रनों की जरूरत है। लास्ट के 2 ओवरों में अच्छी गेंदबाजी की एयर इंडिया मऊ ने, नहीं तो स्कोर आगे जा रहा था, उसको रोका है। 80 कुछ कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है, तो मैच में मजा आएगा, मैच देखने का एंजॉय। मंजीत भाई सीआरपीएफ गाजीपुर ने एक मैच जीतने के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस अंकित सिंह कलची को भी अब टीम का हिस्सा बना लिया है और उनके साथ ज्ञानेश्वर शर्मा का भी आगमन हो रहा है। तो अब तमाम खिलाड़ी जो बड़े बड़े खिलाड़ी, तमाम खिलाड़ी हम मंजीत में जुड़े। अंकित सिंह कलची जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम से जाना पहचाना जाता है, वो भी उनका भी आगमन होने वाला है कि आजमगढ़ से कटकर बना है मऊ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मऊ में जरा ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे वहां से चढ़ी और पहुंच जाइए। अभिषेक भैया हमारी आवाज सुन रहे हो तो जरा नीम के पेड़ के पास हमारे अतिथि बैठे, जरा आप लोग पीछे चले जाइए। वीरेंद्र
थोड़ा हटाइए हम लोग इसका देखने एयर इंडिया के टीम से अनुरोध है कि वो अपना कैंप में जाकर किधर भी स्थान ले लें। शंभू भारद्वाज ब्लैक ड्यूटी काफी मेहनत करते हैं फील्ड में। नगर पालिका के कर्मचारी अगर यहां उपस्थित हो तो कृपया पंडाल में आके मंच से संपर्क करने का काम करें। नगर पालिका के अगर कोई कर्मी यहां उपस्थित हो तो कृपया मंच से संपर्क बनाने का कष्ट करें। हम सभी के होनहार साथी बड़े भाई भूरा सोनकर जी, आपका इस एयर इंडिया टीम के कप्तान अपने बैट्समैनों को अभिनंदन भेज दे भाई ग्राउंड पे, क्योंकि इस समय 2:41 हो रहा है, इसके बाद भी हमको 3 मैच कराना है। मैं सोच रहा हूं अगर टाइम बच जाए तो श्यामा भैया वो जो प्राइज है उसको ओम प्रकाश पांडे जी के नोट करा दीजिए, क्या प्राइज देनी है वो। मैं बेस्ट बॉलर बेस्ट परफॉर्मेंस ये नेशनल फूड बियर के प्रोमोटर कादिर भाई की तरफ से है, ये बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन को जो स्पोर्ट्स शूज दिया जाएगा वो बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन वाला वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे लगता है अगर समय बचेगा माननीय विधायक जी तो एक ओवर टूर्नामेंट में 6-7 किया जाएगा सेमीफाइनल को। हमारा एक और निवेदन था कि अगर जो फाइनल का मैच है उसको अगर थोड़ा बढ़िया से प्लेयरों को मौका मिलता थोड़ा ओवर आप लोग बढ़ाते, सुझाव था मेरा। और हमारे बड़े भाई भोलू सिंह जी से घोसी की तरफ से जो पकड़ी के निवासी है, हर छक्के पे 50 रूपया, अयाज भाई नोट कर लीजिए, भोलू सिंह पकड़ी घोसी, हाँ, हर छक्के पे 50 रूपया और हैट्रिक छक्के पे 100 रूपया, बहुत बधाई। आप इस चीज को नोट कर लीजिए, घोसी जो विधानसभा है विधायक जी का, वहां के लोगों ने दिल खोलकर इस टूर्नामेंट में सहयोग किया है, क्योंकि विधायक जी खुद इस टूर्नामेंट में लगे हुए हैं तन मन और धन से। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे बीच मऊ जिला भाजपा भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री सुनील यादव जी मौजूद हैं, खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक जो काफी मेहनत करते हैं अपने शरीर पे और ध्यान रखते हैं अपनी जनता जनार्दन का, किसी के दुख सुख में पहुंचकर ध्यान देते हैं। चलिए मैच को स्टार्ट कर दीजिए अंपायर। हम सभी के बीच राज जो प्रचार प्रसार आप देखते हैं, होर्डिंग बैनर जिनको बनवाना होगा वो आपसे संपर्क करेंगे। संजू भैया हम सभी के बीच जो उपस्थित हैं और इस पूरे टूर्नामेंट में आपका बहुत बड़ा योगदान था, इसके लिए मैं पूरे टीम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसी तरह आप सभी अपने सहयोग को बनाए रखिए ताकि हम सभी और भी जितनी हमारे जनपद के कोने कोने में प्रतिभाएं छिपी हैं परिचित करा सके। मैच को स्टार्ट करेंगे दोनों बल्लेबाज राहुल कुमरा और विजय के, आखिरी मुकाबला एयर इंडिया दोनों ही मौजूद हैं ग्राउंड पे। तो मैं एम्पायरों से अनुरोध करूंगा कि परेशानी किस चीज का है ये बता दीजिए, उसको चालू करवाइए तुरंत। भाई इसके लिए तो मैं आपसे खेद है कि बिना शूज के ग्राउंड पे आप खेल नहीं सकते, इसके लिए अगर आपको शूज अवेलेबल नहीं है आपके पास तो उसको अवेलेबल कराया जा सकता है, इस बच्चे का शूज पहन लीजिए, बट आप क्रिकेट की मर्यादा को लाइव जुड़ा हूं आपसे रखिए। मैं चाहूंगा टीम के जो भी टीम ओनर है उनसे कि शूज अवेलेबल करा दें उस प्लेयर को, नहीं तो आपका रन माइनस होने का छिड़काव हो रहा है। और ये दो बल्लेबाज एयर इंडिया मऊ विजय नाम जाना जाता है और उसके साथ साथ है? राहुल चालू कराइए कोबरा, देखिए खोखा जी होंगे वहां के मालिक खोखा, अब से गोलियां पकड़िए जरा आपको दोनों जांच करते सुनील राजभर जो पानी पूरी पीने से लेकर के और ग्राउंड को ठंडा करने की व्यवस्था आप देख रहे हैं लगातार सवेरे से सिलसिलाती धूप में, मेरा निवेदन एक बार खोखा भैया को खोज के पानी का छिड़काव करूं ताकि धूल न उड़े। अभी हमारे सेमीफाइनल और फाइनल के मैचों में हमारे बहुत सारे अतिथि आने हैं और हमारे इस पंडाल में बैठे हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि धीरे धीरे आप सभी इस पंडाल में जो पीछे की तरफ बैठे हैं आप लोग इस पंडाल को खाली करने का कष्ट करें।
उसको घिसकर जमीन पे और साफ करके मैच स्टार्ट करवाइए। स्कोर 6 ओवरों में जीत के लिए 81 रन चाहिए। 81 रन बनाने हैं 6 ओवर में अगर सेमीफाइनल में जगह पक्की करनी है एयर इंडिया मऊ को। लेकिन आजमगढ़ तो जुड़ा है भैया, सभी खिलाड़ी हैं यहाँ पर आजमगढ़ से, बड़े बड़े खिलाड़ी मंटू शानदार बल्लेबाज जो घोसी के बार बार कमेंटेटर द्वारा बताया जा रहा था, हमारे घोसी विधानसभा के रहने वाले हैं, उनके साथ जितने भी गेंदबाज और खिलाड़ी। भैया देखिए कृष्णा भारद्वाज जी अगर रिंकू बिने तो शायद यहाँ है नहीं, लेकिन होते तो ये तो खेल है। 80 बना 81 का टारगेट है इस स्ट्राइक के ऊपर विजयगी नाम स्ट्राइक पर है राहुल कुजरा और अपने कोटे का पहला बल, टीम के कोटे का पहला बल लेकर संजीव सिंह तैयार है। राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बिल्कुल बना के रखा है टीम एयर इंडिया ने, तो सलामी जोड़ी मैदान पर स्ट्राइक पर है विजय गोयल, विजय तूफान, विजय टोरनाडो। चलिए तैयार दूसरे मरतबा बॉलिंग मार पर संजीव सिंह, पहली गेंद और पहली गेंद को यहाँ पर बिल्कुल सीधा गेंद के ऊपर से एक अच्छी बात के लिए क्या खाता खोला है। और ये जो हर चौके और छक्के पे मनोरंजन दे रहे हैं नगाड़ा वाले आसिफ नगाड़ा वाले, बहुत बेहतरीन दर्शक, बहुत धन्यवाद हिलका इनकी ककड़ाती धूप में ककड़ाता हुआ बाजा। पहली गेंद पर चौका बटोर लिया विजय गोयल, राघवेंद्र राय जी जहाँ कहे भी हो तुरंत आ जाए अंदर, राघवेंद्र राय इंडियन देखिए जिसके सौजन्य से यह दोनों कप आप देख रहे हैं विनर और रनर। फिर से सामने फिर से उठा कर झटका कोई और लगा रहा है, इनाम किसी और के लिए आ रहा है, समीर की तरफ से ये 100 रुपए का इनाम आया है राहुल के दो छक्के पे जो मेरे हाथ में मौजूद है। आज तो प्रसाद छक्को, तो देखिए राहुल अगर ये दो छक्के नहीं लगा पाते हैं तो ये इनाम क्या किया जाएगा। 2 गेंदे 10 रन हो चुके हैं, चलिए लग गया चंदा। अरे क्या खा के आते हैं विजय गोयल मुझे तो नहीं पता, बड़ी खबर ले रहे हैं संजीव सिंह की, 3 गेंदे और 3 छक्का, कहीं ये दोनों साबित न हो जाए 81 रनों का टारगेट। मंजीत भाई ये भी विधायक जी के क्षेत्र से है, छतरपुर 5 से इनका ताल्लुक है और घोसी विधानसभा से ये भी है। आयक जी अपनी जनता को क्या खिलाते हैं मुझे मालूम नहीं, जो आ रहा है सब दौड़ बैठिंग कर रहे हैं, जिस चीज जिस बात और जिस बात और खेल के लिए जाने जाते हैं आज देखिए बल्ले से इस मुकाबले, देखिए वहाँ के लोग जल से जुड़े हैं, विजय हमारे यहाँ तालाब सामने संजीव उर्फ संजू तैराकी लोग करते हैं, अच्छे गेंदबाज हैं संजीव की, 3 गेंदे तीनों और खुली हवा स्पॉट पे प्रदूषण मुक्त हवा खेलने के लिए जाने जाते हैं विजय गोयल बिल्कुल उनके स्पॉट पे। संजीव चलो सीधी चली गई, संजीव सिंह टू विजय गोयल, इस मरतबा अच्छी गेंद अच्छी डिलीवरी अंदर की तरफ ये गेंद अच्छी गेंद, इस मरतबा विजय गोयल गेंद को रख लें, जो दूसरी गेंद है उसको रखें अपने पास, और इस बार गेंद पड़ने के बाद मनजीत सिंह अंदर की तरफ आई, अगर ये गेंद भी थोड़ा सा बाहर होती तो ये गेंद भी निकल जाती। विजय गोयल एक ऐसा बल्लेबाज है जो मैदान का सीरीज के 2 बार टू विकेट के लिए हकदार हुए, 2 बार इन्होंने प्लैटिना इनाम जीता है, बाहर कलाइयों का प्रयोग 1 रन आसानी के साथ, स्कोर है 17 रन। पहला बल ये प्रगति पर स्कोर है 17, पहली गेंद पे चौका, उसके बाद 2 बड़े मैक्सिमम विजय गोयल के बल्ले से है, अब राहुल कोड़ रहा है स्ट्राइक के ऊपर, उनके लिए फील्ड पोजीशन अगर देखी जाए तो एक स्लिप लगा रखी है, एक खिलाड़ी को थर्मैन की जानी लगा रखा है, एक खिलाड़ी को देखा जाए तो बिल्कुल पॉइंट की दिशा में लगा रखा है, इस तरीके से फील्ड पोजीशन है राहुल कोड़ा के लिए। संजय सिंह अगली गेंद, इस मरतबा अच्छी गेंद अच्छी डिलीवरी, मात्र 1 रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर, अनुज ने गेंद को कलेक्ट किया और आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने रन चुरा लिया, स्कोर में इजाफा, स्कोर है 18 रन। ओवर ओवर बताइए, ओवर की समाप्ति का ऐलान हो चुका है, 1 ओवर समाप्ति का ऐलान, स्कोर 18 रन बिना किसी भी शक के, जिसमें 16 रन
17 रन माफ कीजिएगा, एक ओवर 18 रन के बल्ले से और एक संजीव सिंह का पहला ओवर थोड़ा सा साबित हुआ। विजय गेल लगभग 2 छक्के और 1 चौके लगा रहे हैं। अब राहुल कोबरा इस स्ट्राइक के ऊपर, विजय गेल इस स्ट्राइक के ऊपर, एक खिलाड़ी इसी मौका दूसरा खिलाड़ी को भी टाल लगा जो टाल के किनारे से आता है, लेकिन अब एक ऐसा पास गेंदबाजी का किया आ रहा है जो लगभग 5 से 6 महीने ओवर के अंदर क्रिकेट खेल के आ रहा है। लेफ्ट हैंड लेफ्ट आर्म पेसर ये गेंदबाज जिन्हें अपने दौर का पूर्वांचल एक्सप्रेस कहा गया, लगभग 130 से 131 की गति से गेंदबाज करते हैं, लेकिन आज इनकी अपनी परीक्षा है। आज सुनील यादव को गेंदबाजी खेल रहे हैं पर भी क्योंकि उनके सामने राहुल कोबरा भी गेंदबाजी कर रहे हैं। चलो तैयार सुनील यादव अपने लाइव टेलीकास्ट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन फिर वापसी इन्होंने तय पाई। अगर राहुल कोबरा के लिए फील्ड देखा जाए तो साजिद को स्लिप लगा रखा है, अनुज को थर्ड में देखा जा रहा है, एक खिलाड़ी को बिल्कुल पॉइंट की दिशा में लगा रखा है, एक खिलाड़ी को देखा जाए संजीव सिंह को विकेट सुनील यादव की और मात्र एक रन अनुज ने आसानी के साथ गेंद को कलेक्ट किया। दूसरा ओवर ये प्रगति पर सुनील यादव का ये पहला ओवर और स्कोर है 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। इसी मैच बड़ी खूबसूरती से दूसरा ओवर इस समय कवरेज करने का काम यूट्यूब पर जो हमारे साथी कर रहे हैं मैदान के बीच से, निसंदेह वो बधाई के पात्र हैं। और एक छोटी सी छतरी के नीचे पूरी तन्मयता और लगन के साथ अपने आंखों को मोबाइल पे कैद किए हुए हैं, बड़े ही इनर्जेटिक आदमी है भाई हमारे। आयोजन समिति की तरफ से हम इस यूट्यूबर साथी का काफी आभार व धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि चिचिलाती धूप में एक छोटी सी छतरी के नीचे आप इस मैच का सीधा प्रसारण हमारे जनता के लिए उपलब्ध करा रहे हैं, इसके लिए आपका मैं काफी आभारी हूँ। उनके साथ साथ एक और व्यक्तित्व यहाँ है हमारे बीच में जो कभी भी फ्रंट पे निकल के नहीं आता लेकिन हर एक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, हमारे सहादुर के निवासी शांत रखा है सुनील यादव। हमारी आवाज अगर आप कहीं सुन रहे हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप आकर के अपना स्थान हम लोग के सामने वाले कुर्सी पे आप बैठने का उचित शानदार गेंद मौका था कॉटन बोल्ड हो सकता था सारे लोगों के लिए सुनील यादव खिलाड़ियों के लिए कमेटी के लोगों के लिए जलपान और भोजन की व्यवस्था आपकी तरफ से कोबरा को चिंता कर दिया जाता, कोबरा थोड़े से शांत कर दिए गए होते अपने फन और अपने मुकाम से लेकिन भाग्य का साथ दीजिए बहुत बेहतरीन साथ गजब समाज सेवा ये भी करते हैं। कोई भी व्यक्ति एक रन और मिला है हर व्यक्ति से परिचित होगा और सबके सुख दुख में ये शामिल होते हैं। एक नाम 60 रन चाहिए सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए किसी ने नहीं लिया एयर इंडिया मऊ घोड़ा मछली और आजमगढ़ बेचारा 5 बजे हमने लिया 5 बजे मैदान में आकर के हम लोगों को इतना प्रेरित किया मैच के लिए कि घोड़ा के दबाव में हम लोगों ने 3 दिन के अंदर यह मैच करा दिया। अरे घोड़ा के लिए नजारा जबरदस्त चलिए बड़े भाई आपका भी मैं तहे दिल से अदा कर रहा हूँ। घोड़ा सोलगर जी मैं आपका भी दिल की गहराई से धन्यवाद दे रहा हूँ। इसको अगर देखा जाए तो 22 रन है। चौथा ओवर ये प्रगति पर मंजीत सिंह मात्र 4 रन आए 4 गेंदों पर बेहतरीन सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश और 1 रन आसानी के साथ और बैकअप अच्छा कर लिया वहां पर और 1 रन आउट मिल जाएगा। मात्र 5 रन आए इस ओवर में मंजीत सिंह, पहले ओवर में 18 आ चुके थे सुनील यादव जिन्हें पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम से जाना पहचाना जाता है। ये ओमान के अंदर क्रिकेट खेलते थे ओमान से डायरेक्ट किया है और लगभग ये पहला कप टूर्नामेंट है इस सीजन का। शाम को सभी के पास बहुत अच्छी है दूसरे उनका भी घोषित विधानसभा से डालने के लिए आई थी। पीछे गया यहाँ पर मौका विकेट के पीछे पकड़े गए इस बार विजय गेल थोड़ा सा फेल करके चले गए अपने दर्शकों को अपने चहेतों को अपने प्रशंसकों को थोड़ा सा नाराज जरूर होंगे लेकिन तारीफ यहाँ पर आजमगढ़ गेंदबाज सुनील यादव की बाहर रखने की कोशिश और लपेटे में मारना चाहते थे बड़े भाई हमारे विजय गेल जी लेकिन बाहरी किनारा साथी और पीछे खड़े सभी खिलाड़ियों का एक विषय आपसे छूट रहा है जितने बनाते हुए धन्यवाद लेकिन ऐसे शिकायत और विजय इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए और
गोरा भैया जी से चांद में दाग लग जाएगा, फिर चांद का कोई काम नहीं है। हम सभी के बीच में हिमांशु राय जी का आगमन हुआ है, हमारे बड़े भाई का। अभी जो भी निर्वाचन हुआ नगर निकाय में, आपकी माता जी ने ख्वाजाहांपुर से सभासदी का चुनाव जीता और पूरे इस हमारी कमेटी की तरफ से मैं आपका और सभासद महोदय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं। और आपने अपना सहयोग दिया, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और अभी आप सभी की जानकारी में एक विषय मैं लाना चाहता हूं कि निष्पक्ष क्रिकेट के नजरिए से अभी जो ये अभी सेमीफाइनल का जो टूर्नामेंट होना है, जो मैच होने हैं, अभी उसमें पर्ची डाली जाएगी और जिसका जिससे पड़ेगा सार्वजनिक रूप से पर्ची जाएगी। यहाँ हमारे बैठे अतिथि उसमें से पर्ची निकालेंगे और जिसका जिस भी टीम से पड़ेगा वो टीम उससे लड़ेगी। हमारा जो ये एम्पायर है, हमारे दोनों एम्पायर की उपस्थिति में होगा, हमारे टीम के हमारे अध्यक्ष यहाँ है, चेयरमैन चेयरपर्सन है, उनकी उपस्थिति में होगा और जिस भी टीम से पड़ेगी। देखिए अच्छा शानदार स्टार्ट है कमेंटेटर महोदय, बिल्कुल एक और बेहतरीन प्रदर्शन है इस मतवार राहुल गोड़ा ने। अब सनी मास्टर जो पैसे से टीचर है लेकिन क्रिकेट ये बहुत ज्यादा खेलते हैं, क्रिकेट से बड़ा लगाव है, दोनों स्ट्राइकर मौजूद है, पंतजी सिंह का ताल्लुक है, एक खिलाड़ी को देखा जा रहा है राहुल कोबरा। अगर ये लास्ट ठीक है तो दो रन चेज है, मंजीत भाई को बहुत आसान हो जाएगा। स्कोर अगर देखा जाए स्कोर कितना है, स्कोर महोदय मंजीत जी हमने जो बताया उसको अपने एम्पायर हमारे जो दोनों एम्पायर खड़े हैं सुन रहे होंगे। तो इसके बाद जो सेमीफाइनल के जो मैच होने हैं उसमें टीमों के पर्ची पड़ेंगे और पर्ची हमारे किसी भी अतिथि से निकाल करके उसमें मैच होने के एक दूसरे में होनी है। किसी बीच एक और छह रन, एक और छक्का, स्कोर है 35 रन। और जैसा कि विधायक जी ने कहा है कि जो चार टीम तक अंतिम चार टीम बचेगी तो उसमें फिर तहसील निकाली जाएगी, यानी तहसील डाला जाएगा, तहसील के जरिए जिस टीम का जिससे निकल जाएगा किसी बच्चे को पकड़ा जाएगा और उस बच्चे के जरिए तहसील को उठाया जाएगा और जिसका जिससे मुकाबला होगा फिर खेलना पड़ेगा। ये आपने बहुत बड़ा काम किया है। 2.2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 35 रन, एक विकेट के नुकसान पर। भैया राजू आजमगढ़ जयपुर जसपुर का निर्णय लिया गया, बहुत बहुत धन्यवाद जरूर, मैं कमेंट्री तो करूंगा भैया। लेकिन क्या करें अभी आपको मुझे कॉम्प्लीमेंट नजर आ रहा है, नहीं बताऊंगा आपकी जो टीम है कमेंट्री की ये जरूर चार पर्ची तीन बना लें, जो तीन टीमें पहुंची है चौथी इसमें से जो पहुंचेगी उसको बना लिया जाएगा और हवा उसको आप तैयार रखें ताकि इसी बीच राहुल कोबरा का विकेट गिरता हुआ 35 के रन का दूसरा झटका उनका स्थान लेने जा रहे हैं राजकुमार। मंजीत जी एक बार जरा जो अभी तैयारी कर ली है उसमें थोड़ा सा सहयोग करके कमेंट्री बॉक्स से आप संपर्क करके उसकी तैयारी कर लें ताकि मैच में विलंब न हो। यही होगा आपकी उपस्थिति में होगा। देखिए हमारे अंपायर जो सुबह से लगातार लगे हैं इनको भी चिंता है कि किसी प्रकार का कोई भी संदेह न हो, क्योंकि बड़े लंबे अंतराल के बाद इस एक निष्पक्ष और बहुत ही जोरदार टूर्नामेंट आप सभी को देखने को मिल रहा है और एक अच्छी शुरुआत है एयर इंडिया की तरफ से जिसने 2004 में क्रिकेट को छुआ था, तब से लखनऊ में क्रिकेट का समापन हो गया था। लेकिन बड़ी हर्ष का विषय है कि अब क्रिकेट हमें लगता है कि आज से शुरू है और हर वर्ग के लोगों ने, मैं आपको बताना चाहता हूं कमेंटेटर महोदय और यहां बैठे सारे हमारे पत्रकार साथियों कि यहां अगर किसी बड़े पूंजीपति ने सहयोग किया है तो हमारे आजमगढ़ बोर्ड पे रहने वाले हमारे ठेला ठुमका चलाने वाले हमारे सारे छोटे दुकानदार व्यवसायी ने जो फुटपाथ पे रहते हैं उन्होंने अपना सहयोग देकर के इस टूर्नामेंट को संपन्न कराने वाले का काम किया है। बहुत बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट में बल्लेबाज के रूप में अपने टीम को निकालते हैं ताकि थोड़ा कठिन के लिए इस तरीके से आपने टूर्नामेंट कराया, बहुत ही सराहनीय फैसला। इसी बीच राजकुमार का ये शायद लॉन्ग ऑन पे खेला, खिलाड़ी मौजूद, स्कोर 36 दो विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल मंजू भाई आपने सही कहा, विधायक ने जो फैसला लिया है सन्नी तो रात का फैसला है, तमाम लोग जितने भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं तमाम लोग इस बात को जानते हैं कि अंतिम चार जो टीम से खेलने जो विधायक जी ने जो फैसला लिया है सराहनीय फैसला है, चार टीमों के लिए आपको कैसे डाला जाएगा, किससे किसका मुकाबला होगा फिर उससे खेलना पड़ेगा। शानदार इसी बीच अगले के विकेट की राइट है स्कोर स्कोर अगर देखा जाए तो स्कोर पहुंच चुका है 37 रन, 37 रन तीसरा ओवर ये प्रगति पर
और एक ओवर में अगर देखा जाए तो संजीव सिंह के एक ओवर में 18 आए थे, लेकिन उसके बाद राहुल कुमार का बड़ा विकेट निकाला है। संजीव जी गुस्सा ना करिए, हो सकता है पैर से ही गलती हो गई। 44 रन चाहिए, वरिष्ठ क्रिकेटर है, आपका काम है जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में जगह। कैमरा वाले जो साथी हैं जो लाइव चला रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, मेरा निवेदन है कि एक बार थोड़ा जो पवेलियन में बैठे लोग हैं उनकी तरफ भी धीमी गति से जाए, ताकि वो लोग भी अपने चेहरे को देख के मुस्कुरा सके। और ये नया, बिल्कुल नया, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मैचों में होता है, आपने जो अच्छा प्रदर्शन किया है इसके लिए मैं आपको बहुत हृदय गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक छोटे से मैदान में आपने पूरे इंटरनेशनल मैच को उतारा है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। विधायक जी लगभग नेपाल, सऊदी अरबिया, दुबई, कतर, ओमान, यहाँ से तमाम लोग जुड़ के इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस टूर्नामेंट की, जो आपने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। सीबीएच अनिल देव, संजीव सिंह जी और मात्र एक रन से संतुष्ट होंगे दोनों बल्लेबाज जी। यहाँ आजादी के साथ एक रन स्कोर है 38 रन, तो 3 ओवर क्या समाप्त हो चुका है। जी हाँ, 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 39 रन। 39 रन हो चुके हैं 3 ओवर के समाप्ति के बाद, दो स्कोर है 39 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। कोबरा की अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब आपसे ये सोच रही है एक योजनाबद्ध तरीके से किस गेम खेलना पड़ेगा। 18 गेंदों 45 रनों की जरूरत है जी हाँ, 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से, 14 रन प्रति ओवर जा रही है। घुरा भैया ऐसा ही लगता है, बाल जल जल्दी इसका हो, लेकिन ये मैंने माना कि गर्मी बहुत है 11 खिलाड़ियों की, लेकिन आप में जो क्या बोलते हैं वो चर्बी हिंदी में जो बोलते हैं 18 के अंदर 42 रन चाहिए और स्वस्थ आप रखना, इसलिए हम लोग आपको जिम्मेदारी देते हैं। यादव अगर हम लोग आपको जिम्मेदारी दी है और आपने बखूबी निभाया है, लेकिन देखते हैं इसलिए जैसे जैसे आप इसलिए इसमें मेहनत करेंगे कि आपने ही इसमें पूरा, जैसा कि हमारे प्रकाश पांडे जी बता रहे थे कि 3 दिनों में लगातार सुबह 5 बजे से उठ करके हम लोगों को जगा के ले आके, और एकदम इतना दबाव था इनका कि ये टूर्नामेंट आपके बीच में कराना पड़ा, और बहुत ही जोरदार टूर्नामेंट कमेंटेटर महोदय। लेकिन एक और चीज विधायक जी, हम लोगों तो ये तपिस वाली नील यादव आए बेहतरीन गेंदबाज, पहला ओवर क्या बेहतरीन कराया था इन्होंने, बेहतरीन कराया था। इनके बारे में एक और है कि बाल्टी में हाथ धोते हैं, एक लुस्ता बिल्कुल क्या है हम समझ नहीं पाए थे, उसका खामियाजा जनता भुगतती है और क्या है। मैच ही काट रखे एम्पायर, बिना अनुरोध है मैच चालू रखे। चलिए इसी बीच अगली गेंद सुनील यादव की, अच्छी गेंद राजकुमार के लिए, पॉइंट की दिशा में खेल दिया वहां पर खिलाड़ी ने, गेंद को साजिद वहां पर थे, गेंद फंबल हुई उनसे और एक रन दोनों बल्लेबाजों ने चुरा लिया। सुनील यादव की बात करें तो एक ओवर में मात्र 5 रन दिए थे पिछले ओवर में, और एक बड़ी सफलता हाथ लगी थी कि विजय गेंद का, इस ओवर में क्या गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं सुनील यादव। ओमान से लौट के आए, लेकिन अपने फार्म को बिल्कुल बरकरार रखा है, अपने फार्म को बरकरार रखता है, क्या जबरदस्त यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। याद है कि मैच बहुत ही रोमांचक लम्हे में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है, बहुत रोमांच बिल्कुल भैया आपकी अपनी बात ये सोचा, और बल्लेबाजी जो भी जबरदस्त हो रही है, बिल्कुल बराबरी का मुकाबला इस समय चल रहा है, जो भी टीम अपने स्नायु तंत्र पे नियंत्रण रखेगी, अपने धार पे नियंत्रण रखेगी और मौके का फायदा उठाएगी, वही टीम विजयी घोषित होगी बिल्कुल। और जो इसमें रोमांच भरने का काम जो आपकी आवाज को 1,00,000 गुनी जो आवाज और बढ़ाने का काम कर रहे हैं हमारे आसिफ साउंड, शानदार गेंद, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जब भी हमने आवाज दिया आसिफ साउंड को अपने साथ दिया, और ये जो साउंड की आवाज देख रहे हैं आसिफ साउंड की आवाज है, हमारे छोटे भाई आसिफ हैं। अगर आप सभी को आवश्यकता हो स्वागत हो, सेमीफाइनल मुकाबले होंगे उसके बाद फाइनल होगा, एक दिवसीय मुकाबला है, भाई आसिफ जी को आप एक ही दिन में सभी टीमें प्रतिभाग रहेंगी, खेलेंगी उसके बाद सेमीफाइनल दो बहुत अच्छा माइक सिस्टम है, ये गायों का प्रयोग और इसमें बाउंड्री लाइन के बाहर लगाया, किसी ने एक हाथ से कैच पकड़ के अपना इशारा दिया है, उनका जो हक हिस्सा मजा हो, इनको 50 रुपए का इनाम मौजूद है, नाम वहीं से नाम बताइए जोर से, दानिश दानिश नाम इनका, दानिश जी एक बार जोरदार ताली बजाइए, आप सभी ताली बजा का स्वागत करें। जहाँ छाव मिली संजोग की बात है, अभी विधायक जी कह रहे थे कि आसिफ साउंड वाले तो आसिफ नगाड़ा वाले भी है। चलो इसी बीच अगली गेंद, मैं आपको बता दूं
आसिफ साउंड वाले हैं, आसिफ नगाड़ा वाले हैं, इसी बीच जिस खिलाड़ी ने कैच पकड़ा है जिस दर्शक ने, वो भी दानिश कमाने वाला भी है। क्या बात है, क्या बात है मंजीत। देखिए जैसा मैं बता रहा था कि ये टूर्नामेंट हमारे शहर के प्रसिद्ध लोगों ने, प्रतिष्ठित व्यवसायियों ने, प्रतिष्ठित यानी जितने भी लोग इसमें आते संघ के लोग उन्होंने मदद किया है, और हमारे जो फुटपाथ के लोग उन्होंने मदद किया है, सारे लोग जो समाज के लोग हैं, हमारे पत्रकार साथियों ने, वकीलों ने, डॉक्टरों ने, सारे लोगों ने मिलकर के टूर्नामेंट का आयोजन कराया, और उसी वजह से इतनी रोचकता है इस टूर्नामेंट में। आप जो भी टीमें जीती है, इससे पहले जो तीन टीमें की है, पांच ओवर के समाप्त होने तक ये जो हमारी मुख्य अतिथि का पंडाल है, तीनों कप्तान वहां पहुंच जाएंगे, और चौथी नहीं भैया शिवम राव का टीम नहीं है, इसमें से जीतेगी उसकी कप्तान भी उस पंडाल के नीचे पहुंच जाएंगे। आपसे विनम्र अनुरोध और निवेदन है। शानदार गेंद पीछे गया, चलिए गेंद अगे गए, उसके नीचे साजिद खान आसाने के साथ इस गेंद को कलेक्ट कर लिया साजिद ने। तो स्कोर अगर देखा जाए तो 47 बन चुके हैं, 47 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आ चुका है, 54 की प्रगति पर है, और चार ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 47 रन। कई रन कितने गेंदे, 34 रन चाहिए, 12 गेंदे 34 रन। अब हमारे दर्शक कृपया आप लोग भी काउंटिंग करें और अपने अंदाज में इस काउंटिंग को जरा बताने का कष्ट करें। 12 गेंदे 34 रन। अब आइए जितनी भी काउंटिंग होगी, हमारे जितने पवेलियन में बैठे लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि एक बार आप भी जरा इन खिलाड़ियों का अपने तरीके से, अपने अंदाज से, अपने शोर शराबे से आप इनका हौसला अफजाई करने का काम करेंगे। हमारे पवेलियन में 34 रन चाहिए, विजय के लाए हैं कुछ मैसेज के लिए, बहुत अनुभव है उनके अंदर, ऐसा जरूरी नहीं होता कि बार बार विजय के ही एक करने लगेगा तो बाकी के 10 क्या करेंगे। जो काफी बड़ा अवसर था और इस मैच को जीतने के लिए आपको हर हर जो पहली गेंद को कोई ना कोई बड़ा स्कोर करना होगा। लक्ष्य को पाने के लिए लेकिन जब से कोबरा और विजय तूफान विजय टोरनेडो जब तक आउट हुआ उसके बाद थोड़ा सा कुछ लगा है बल्लेबाजी पर, लेकिन हमारे समस्या भी आ जाएगा। पलरा बहुत ही भारी आपकी टीम है, अब आप कह सकते हैं पलरा भारी। देखिए ये क्रिकेट है, एक एक बॉल पर ये बदलता रहता है। अभी तक देख रहे थे आप लगभग बराबर मैच चल रहा था शुरू से। अगले गेंदबाज है जी, तो मैच में बाहुबली का मैच है, बाहुबली का मैच नहीं है। राजकुमार यादव और सन्नी यादव दोनों लोग स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक में, भैया हवा चल रही है बहुत ज्यादा, जितनी तेज धूप है उतनी तेज हवा भी है, इस वजह से छतरी आ जा रही है, क्या करें। जितनी अच्छी शुरुआत एयर इंडिया ने की थी पिछले एक से दो ओवर के बीच में, उस अवसर को उन्होंने मेंटेन नहीं किया, जिसका नतीजा है 12 गेंदबाज आए हैं और 34 रन। पहला ओवर है हर ओवर का जो पहली गेंद आजमगढ़ की तरफ से लिए, और आजमगढ़ के गेंदबाज के रूप में थोड़ी सी इनके लिए आसानी होगी। राइट आर्म गेंदबाज है ये, शानदार गेंद हल्के हाथ से खेलकर वहीं पर आल रन लेना चाहते थे लेकिन पूरा किया। तो जैसे लग रहा है कि आज गेंदबाजी करने के लिए, तो 11 गेंद 33 रन। और मैं सभी दर्शकों को बता दूं जिनको मालूम नहीं है, जो घर पे है वो इस मैच का मजा फेसबुक पेज पे दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के नहीं भैया सलेमपुर पे जाए और इस मैच का आनंद लाइव उठा सकते हैं जो इस ग्राउंड पे मौजूद है। 11 गेंदों में 33 रन, इसका लाइव बढ़ रहा है भैया, बढ़ रहा है इसका लाइव प्रसारण हम लोगों के फेसबुक पेज पे भी चल रहा है। और माननीय के भी फेसबुक लाइव पे मैच लाइव चल रहा है, तो आनंद उठा सकते हैं। तो वक्त आप लोग जुड़े रहिए सिर्फ दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के साथ। मैं पारों से अनुरोध करूंगा कि 3:15 तक मैच समाप्त है, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी चाहते हैं हमारे जो 3:25 रोमांचक संघर्ष देखने को मिलेगा हर गेंद पे। लाइव बाहर के लिए रहेंगे तो ठीक रहेगा, मौका मिला सर्किल रेखा जो है उससे बाहर आने का। आपको अपने इस लाइव कमेंट्री से थोड़ा मजा दिलाते हैं। अजीत की गेंद तब्दीलियत देखिए गेंदबाज की, और ये ओवर में ऐसा ओवर है कि ये ओवर दर्शाएगा कि आप जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे।
मुकाबला ऐसा और राजकुमार अमूमन तौर पर देखे नहीं जाते ऐसी बल्लेबाजी के लिए, वो सूझबूझ और शानदार अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन चले अजीत अगली गेंद लेकर फिर से भाई फिर से सीधा विकेट कीपर के हाथ में, एयर इंडिया मो नजर लगी हुई यहाँ पर मुझे लगता है अपने सर जमीन पर। कहावत है उसको मैं कहना नहीं चाहता हूँ भैया, देखिए ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि तो कहां से देना पड़ेगा कि अब हवाएं नहीं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगा वो दिया रह जाएगा। तो अब आने वाली गेंदों पर पार्टी का आश्रय में जान होगा वो दिया रह जाएगा, जिस में जान होगा वो अपने चलता चला जाएगा जाएगा और निकल आएगा। अब धीरे धीरे पड़ेगा आजमगढ़ की पकड़ में आता हुआ। अभिषेक जी आप बाहर होइए, देखिए प्लेयर आपको कह रहे हैं आप बाहर हो जाइए। अंपायर मैच में विलंब ना करें, क्या हुआ आप अपने हिसाब से देखिए। अजीत डालने आए हैं बेहतरीन गेंदबाजी, तीन गेंदों पर मात्र एक रन दिया है अभी तक। क्या हो गया भाई, एक रन दिया है मात्र, बताइए आप 45 रन करे हैं दो विकेट के नुकसान पर एयर इंडिया माउ। लेकिन आजमगढ़ अगर क्या बल्लेबाजी है, बेहतरीन गेंदबाजी, इसमें किसी के हस्तक्षेप और किसी की प्रतिक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। सामने खेला कवर के क्षेत्र पर खिलाड़ी मौजूद के पास राजकुमार का बड़ा विकेट मंजीत सिंह का हुआ नजर आ रहा है। आठ गेंद और 35 रन चलता गया राजकुमार भी, ऐसे मौके पर विकेट जाना मतलब अपने आप में और दूसरे योद्धाओं के हाथ में चीर फाड़ की नौबत आने वाला जो मंजर होता है ना वो लाके खड़ा कर दिया मुझे लगता है। क्या कुछ मैच में नया करके दिखाएंगे, आठ गेंदों पे 35 रन बनाकर अपनी टीम को ये मैच में ले जाएंगे। अजीत भाई ये मैच देखने के बाद आईपीएल का एक मैच याद आ रहा है, कोलकाता नाइट राइडर का मैच था, संभवतः आखिरी ओवर में 29 या 30 रन बनाना था, याद नहीं आ रहा और रिंकू सिंह उस समय मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के होनहार साथी रिंकू सिंह ने 5 छक्का मार करके उस मैच की सारी गणित को बदल दिया था। रिंकू सिंह से मिलती जुलती है उतनी ही हाइट है, कारनामा होता है। 35 चाहिए यहाँ पे क्रिकेट में, युवराज सिंह कई बार 6 छक्के मार सकते हैं। 2007 के बाद अभी कोई माइका लाल नहीं हो जो T20 में लगातार 6 छक्का मारा हो। इस तरह से एक रन 7 गेंद और 32 रन, अब तो सिचुएशन काफी बिकट हो गई है। ये क्रिकेट है जो आगामी कप्तान से चाहूंगा सीएम गाजीपुर सैदपुर और वाराणसी, ये लीजिए 6 गेंद और 36 रन, 6 गेंदों पर 36 रनों की जरूरत। अब तो छक्के से कुछ थोड़ा सा रोमांच मैच में वापस आया, ये पहली गेंद भारतीय और टीमें हैं जिनको जिनके साथ टॉस कराना है। मंजीत जी टॉस नहीं मुझे दिया, पहले पर्ची पड़ेगी इसी सारे खेलों को आपके पास बुला रहा हूँ। ठीक है अभी 4 टीमें जो क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल के लिए, तो चारों टीमों की पर्ची बना करके 2 पर्ची जिसके साथ निकलेगी वो पहला सेमीफाइनल होगा। पर्ची तैयार है, एक टीम 3 टीमों की पर्ची तैयार है, एक टीम का नाम अभी खाली रखा गया है। संघर्ष जारी है एयर इंडिया और आजमगढ़ के बीच में। अगर एयर इंडिया को सेमीफाइनल खेलना है इस एयर इंडिया गोल्ड कप 2023 का तो 6 गेंदों पर 26 बनाने होंगे, और आजमगढ़ को ये सेमीफाइनल खेलना है तो 6 गेंदों में 26 बचाने होंगे। दोनों ही होनहार टीमें हैं, समय नहीं है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि समय ये ऐसी परिस्थितियां कि समय ले सकते हैं लेकिन थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए समय को कम लिया जाए। खिलाड़ी जो है बल्लेबाज वही लेंगे स्ट्राइक, उनके ऊपर है 6 गेंदों में 26, कद तो छोटा है लेकिन मुझे लगता है अनुभव बड़ा होगा कद से। मंजीत भाई 3 टीमों की पर्ची मेरे पास ऑलरेडी बन चुकी है, एक टीम जो भी इसमें से विजेता होगी उसकी पर्ची यहाँ बन जाएगी, तो 4 टीमें हो जाएंगी, फिर 4 टीमों के दरमियान फिर वो टैसे डाला जाएगा। 6 गेंद और 26 रन, देखिए समीकरण मैच नाम 4 रोमांच बचा हुआ है क्योंकि
जो गेंदबाज सहातन यादव है वो लेफ्ट हैंड गेंदबाजी करते हैं, दोनों बल्लेबाज थोड़ी देर में आ जाएंगे बाद में थोड़ा गए खाना खाने के लिए, तो अभी आ जाएंगे तो फिर वही करेंगे, मैं तो ऐसे ही आ गया हूं बुला दिया गया हूं, तो अभी कुछ नहीं कहना, अभी सोया हूं आएंगे लेकिन जितना मेरे तरफ से है पहला अच्छा करिए आप। और ये पहला छक्का देखिए मैंने बोला है सलाम उठाते हुए आज गेंद हौसला अफजाई कर रही है दर्शकों की तरफ से भी, खिलाड़ियों का हौसला अफजाई होता रहे दर्शकों की तरफ से जो बैठे हैं, एक बार जो जिसके पांच गेंद और बीस रन, पांच गेंद एक इनाम है अमल सोनकर की तरफ से, तीन छक्के पर ₹500 वीरेंद्र भारद्वाज के लिए। वीरेंद्र ने शानदार छक्का जड़ करके एयर इंडिया की उम्मीदों को गेंदबाज संजीवन बेटी के काम के बाद आखिरी गेंद पे जो संजीव यादव ने छक्का लगाया था, एयर इंडिया मौकी। यहाँ ऐसा देखा गया है कि प्रत्येक मैच जो है लास्ट में जाके टीम जीती है, कोई बड़ा टारगेट नहीं है, मात्र तीन छक्के लगा रहे हैं पांच गेंदों में और ऐसा हो सकता है कि लग जाएंगे। ये लीजिए एक और चांस है और गवाया, चार गेंद और बीस रन, तो डॉट बॉल थी ये और जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट टीम गेम होता है, लोकल क्रिकेटर है क्रिकेट के बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, इसलिए कि आपके पास अब समय नहीं रह गया है टीम गेम का, आप ऑलरेडी एक गेंद मिस कर चुके हैं। इस क्रिकेट के सबसे एयर इंडिया के जीवन की चार गेंदें बची है इस टूर्नामेंट के, अगर इस टूर्नामेंट में रहना है तो चार गेंदों के 20 रन बनाने होंगे, छक्का लगाना होगा, खराब गेंद उसका भी लाभ नहीं होगा। ये तीन गेंद और 20 रन, अब तो और कुछ नया करना पड़ेगा एयर इंडिया को, तो सुनील यादव आ चुके हैं, एयर इंडिया कुछ नया करके भी कुछ नहीं कर पाएगी जब तक गेंदबाज कुछ नया ना कर दे, हाथ में आया हुआ मैच लग रहा है कि धीरे धीरे अब हाथ से फिसल रहा है, इसलिए कि जो टारगेट हो गया है अगर तीन छक्का भी आप मारेंगे तो 18 रन ही होगा, तो बल्लेबाज गेंदबाज वहाँ होपलेस हो सकता है अगर तीन छक्के लाए, मुश्किल है, गेंदबाजी का टप्पा बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार चार रन, तो अब मैच को 2 गेंद और 16 रन लग रहा है जैसे एयर इंडिया ने हार मान ली हो, इसलिए रन लेने का प्रयास नहीं कर रही है, हालांकि जबकि काफी मजबूत टीम थी, काफी होनहार खिलाड़ी थे, इसी को क्रिकेट कहा जाता है भाई, प्रतिभाशाली युवाओं से भरपूर, पहले गेंद पे छक्का लगाने के बाद भी अपने बाप को बैकअप नहीं कर पाए। चलिए सीआरपीएफ गाजीपुर सैदपुर वाराणसी और आजमगढ़ के एक एक्स्ट्रा प्लेयर अगर कुछ अनहोनी नहीं होती है या कमेंट्री बॉक्स ये जो मुख्य अतिथि का पंडाल है वहां पे आ जाए, नौ रनों से आजमगढ़ ने इस मैच को जीत लिया है, तो आजमगढ़ के कप्तान अविलंब यहां आ जाए, इस तरह से बहुत अच्छा खेल का इंडिया टीम की तरफ से साबे आजमगढ़ की तरफ से और जितनी टीमों ने अब तक खेल के माध्यम से जो संदेश देने का काम किया बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा, और हम जितनी भी टीमें जीत के आई हैं जो